नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल में भाकपा माले द्वारा 8 सूत्री मांगों को लेकर डीवीसी प्रबंधन से लंबित समस्याओं को लागू करने की बात कही गई थी, जिसका समर्थन विस्थापित कमेटी ने किया है और उक्त सभी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन सुबह 10 बजे से 35 सदस्यों को फूल माला पहनाकर प्लांट गेट में बैठा दिया गया है। पूर्व प्रेषित पत्र में सांसद स्वविनोद बिहारी महतो और डीवीसी प्रबंधन के बीच हुए समझौते को लागू करने, डीवीसी द्वारा निर्धारित सर्कुलर को लागू करते हुए रोजगार देने, पुनर्वास रैयतों को जमीन का मालिकाना हक देने, डीवीसी प्रबंधन द्वारा विस्थापित गांव में पानी बिजली सहित मूलभूत समस्या का हल करने, डीवीसी प्लांट में श्रम कानून का सख्ती से लागू करने, एस पॉन्ड से छाई का ढुलाई कानून संवत किया जाए, प्लांट निर्माण कार्य पूर्व या वर्तमान में गुणवत्तापूर्ण नहीं किया जा रहा है, इसकी जाँच करते हुए कार्रवाई की जाए, विस्थापितों को रोजगार की जगह पर बाहरी मजदूरों को कुशल मजदूर बताकर बहाली होती है उसे बंद किया जाए, झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित सर्कुलर को लागू करते हुए 75% रोजगार देने कार्य करें। डीवीसी बोकारो थर्मल प्लांट के गेट पर आज हम लोग अमरन अनशन पर बैठ गए हैं और ये अमरन अनशन कब तक चलेगा, तो डीवीसी के मैनेजमेंट जानेगा और डीवीसी के मैनेजमेंट से समझेगा। हम लोगों का काम है मैनेजमेंट को संदेश पहुंचा देना और हम धरना के माध्यम से उसे संदेश पहुंचाने के लिए आए हैं और हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ के लोगों को रोजगार की बात नहीं हो, रोजगार नहीं दिया जाए और यहाँ के विस्थापितों को बहाल नहीं किया जाए और बिजली पानी इन सुविधाओं का अगर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तब तक हमारा धरना जो है जारी रहेगा। और आज से हम लोग धरना पर बैठ चुके हैं और CPIML इस धरना का समर्थन करता है और धरना में बैठे साथियों के साथ में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी और स्वयं मैं बाल गोविंद मंडल इस धरना पर हूँ और रहूंगा। वी टाइम न्यूज के लिए बेरमो झारखंड से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट।